स्वतंत्रता दिवस पर एक ओर जहां पूरा नागपुर शहर आजादी का उत्सव धूमधाम से मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हड़दंग मचाकर शहर की सड़कों पर साइलेंसर निकालकर बुलेट गाड़ी भगा रहे थे, जिसके बाद हर ट्रैफिक विभाग ने कुल 3216 गाड़ियों पर कार्रवाई कर अकेले सदर ट्रैफिक पुलिस ने कुल 54 बुलेट बाइक जब्त की है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर पूरे शहर में कुल 3216 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्वतंत्रता दिवस पर गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर शहर भर में हुड़दंग मचाने वालों की कुल 3216 पर कार्रवाई की गई, जिसमें से सिर्फ सदर ट्रैफिक पुलिस ने कुल 54 बुलेट बाइक जब्त की है। इन सभी बाइकों के बदले हुए साइलेंसरों को निकलवा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर शहर के फुटाला इलाके में कार्रवाई के दौरान 54 बुलेट वाहन जब्त की गई है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने पूरे नागपुर शहर में कुल 3216 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। बुलेट वाहनों सहित कारों के साइलेंसर और प्रेशन हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहनों पर इस दौरान विशेष रूप से कार्रवाई की गई। ट्रैफिक विभाग की DCP चेतना तिड़के ने बताया कि जब्त की गई इन बुलेट गाड़ियों के मॉडिफाइड साइलेंसर को निकालने के बाद ही गाड़ियों को जुर्माना वसूल कर छोड़ा जाएगा। पुलिस के अनुसार शहर की सुरक्षा और किसी भी प्रकार के कानूनी उल्लंघन करने वालों से उचित कार्रवाई की जाएगी और तिरंगे के साथ भी किसी प्रकार का अपमान नहीं होने दिया जाएगा। गाड़ियों पर तिरंगा लगाकर घुमाना भी कानून का उल्लंघन ही है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। कल स्वतंत्र दिवस होता आणि शहरामध्ये ठिकठिकाणी असं आढळून आलं की युवक हे फुटाळा भागामध्ये जास्त गर्दी करत होते आणि इतर भागातही ट्रिपल सीटचं प्रमाण जास्त होतं, त्यामुळे आम्ही स्पेशल ट्रिपल सीट आणि बुलेट जे सायलेन्सर फटाके वाजवतात याबाबतचा ड्राईव्ह ठेवलेला आणि त्यामध्ये आम्ही फुटाळ्यावरून फक्त 54 बुलेट डिटेन केलेले आहेत आणि शहरा संपूर्ण शहरामध्ये 338 ट्रिपल सीटची वाहनं वेगळी यापेक्षा वेगळी वाहनं ती डिटेन करण्यात आलेली आहेत आणि अशी दिवसभरात एकूण 3216 एवढी आम्ही वेगवेगळ्या कलमाखाली कार्यवाही केलेली आहे। हो, ज्या चालकांनी मॉडिफाईड सायलेन्सर लावलेले आहेत त्यांना आम्ही ओरिजिनल सायलेन्सर घेऊन यायला सांगतो आहे, इथेच ते सायलेन्सर चेंज करतील आणि हे जे सायलेन्सर जे मॉडिफाइड आहे ते आम्ही इथेच ठेवून घेतो आणि नंतर ते आम्ही डिस्ट्रॉय करणार। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।